दोस्तों फिल्म पोनियन सिल्वन 1 आए दिन कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक फिल्म ने 7 ही दिनों में 325 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है। रिलीज के 7वें दिन फिल्म ने 22 करोड़ 40 लाख की कमाई की है। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस हफ्ते के एंड तक फिल्म आराम से 350 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने 82 करोड़ 50 लाख की कमाई की थी। 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली ये छठी तमिल फिल्म है। इससे पहले रोबोट 2.0, एंथेरन, कबाली, बीगल और विक्रम जैसी फिल्में 300 करोड़ क्लब में शामिल हैं। हालांकि PS1 के आगे अब सिर्फ 2.0 और विक्रम ही हैं। ट्रेड एनालिस्ट त्रिनाथ के मुताबिक अगर PS1 ऐसे ही कमाई करती रही तो जल्दी इन दोनों फिल्मों को भी पछाड़ दे। दोस्तों आपको बता दें कि मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 1 कल्कि कृष्णमूर्ति की साल 1955 में आई नॉवेल पर बेस्ड है। 500 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, कार्थी, जयम रवि, त्रिशा, शोभिता, धुलीपला, विक्रम प्रभु जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने दिया है। ये फिल्म 30 सितंबर को दुनिया भर के थिएटर्स में रिलीज की गई थी। इसी फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। डायरेक्टर मणिरत्नम ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो फिल्म का सेकेंड पार्ट लाने के लिए काफी एक्साइटेड है। मणिरत्नम ने कहा कि वो इस बात से खुश हैं कि ऑडियंस को उनकी फिल्म पसंद आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।